अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से, आप लोगों की दुआ है। और वेलकम है आप लोगों का नाजिमास किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पिज़्ज़ा। ये जो रेडीमेड पिज़्ज़ा है, ये रात का डिनर है हमारा, ये रात का डिनर है। अभी मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। ये मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड लाई हूँ, अभी मैं इसका वेजिस में इसमें पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए अभी हमें ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरह पिज़्ज़ा सॉस पूरे ब्रेड पर कवर करना है। इसको ऊपर वेजिस डालेंगे लगाने के बाद। पिज़्ज़ा सॉस लगा ली मैंने। अभी अमूल का चीज़ है, मैंने अमूल का चीज़ ली हूँ, श्रेडेड चीज़ है ये। ये अमूल का, ये इसको ऊपर स्प्रेड करेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। देखिए इस तरह से स्प्रेड करना है हमें। अब इसके बाद इस कैप्सिकम दाल ऐड करेंगे। वेज का बनाते हैं तो है इसमें कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन सब जाएगा। हम दो लोग हैं इसलिए दो पिज्जा बना रही हूँ। अभी इसको ऊपर इस तरह टमाटो ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें रखना है। आप लोग को चाहिए तो चिकन टिक्का का पीसेस बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये ऑनियन डालूंगी, कोई ऑलिव भी डालता है आप लोगों को, ऑलिव भी ऐड कीजिए, पनीर भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड है। वेज बनाए तो पनीर ऐड कीजिए, चिकन का बनाएंगे तो इसमें चिकन ऐड कर दीजिए। मेरे पास ऑलिव नहीं है अवेलेबल, इसलिए मैं ऑलिव नहीं डालती हूँ। देखिए अब इसको कॉर्न ऐड करेंगे, स्वीट कॉर्न। इसे बॉइल करके रखा था मैंने, नमक डाल के वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। यम्मी यम्मी यम्मी, अभी हम लोग खाएंगे और एंजॉय करेंगे हम लोग। अभी इसके ऊपर चीज ऐड कर देंगे। पूरा चीज से कवर कर देंगे। देखिए इस तरह देखिए हमने कवर कर दिए चीज से। अभी इसे मैं पैन में बनाऊंगी, इसे मैं पैन में रखूंगी पिज्जा को। अभी इसको चिली फ्लेक्स हम स्प्रेड करेंगे, चिली फ्लेक्स इस तरह से। फिर ओरिगैनो ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा ओरिगैनो। देखिए अभी हम इसे पैन में बनाएंगे, इसे हम पिज्जा को हम पैन में बनाएंगे। चलिए फिर अभी मैं इसे पैन में बेक करूंगी, ठीक है? इसको मैंने हॉट पैन को प्रीहीट कर दी थी। अभी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके चीज मेल्ट होने तक हम इसे रहने देते थोड़ी देर, ठीक है? मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक, जब तक चीज पूरा मेल्ट हो जाएगा ना तब तक। देखिए फ्रेंड्स ने अच्छे से मेल्ट हो गया चीज भी और ये पिज्जा रेडी हो गया है। अभी इसे कट करके दिखाऊंगी मैं आपको। चलिए मैं कैंची से ही आपको कट करके दिखा दूं, कटर से पूरा मसाला बाहर आ जाता है। बहुत गर्म भी है बहुत। देखिए फ्रेंड्स
यम्मी यम्मी पिज्जा बनके रेडी। देखिए फ्रेंड, देखा कितना अच्छे से मेल्ट हो गया चीज भी, देख सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई करना ये पिज्जा, और मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी पिज्जा की रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आऊंगी एक अच्छी नई नई डिशेस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।